फरीदाबाद के सेक्टर 23 में बिजली बोर्ड के कार्यालय पर आज ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर बिजली कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नीतियों को बकायदा बैनर के माध्यम से दर्शाने का काम करते हुए प्रदर्शन किया और चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे को नहीं माना गया तो गांव गांव शहर शहर जाकर लोगों को इस सरकार की आम लोगों के पार्टी विरोधी नीतियों के बारे में बताएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को 2019 में आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। खट्टर सरकार की ठेकेदारों से यारी पड़ रही है, जनता को भारी कच्चा रोजगार, मामूली पगार, सैकड़ों मरे घायल हजार, घाटा तो बहाना है, ठेकेदारों को मुनाफा बढ़ाना है, जनता से लूट जारी है और अब बड़ी लूट की तैयारी है, इसलिए हड़ताल मजबूरी है, जनता का सहयोग जरूरी। इस तरह के स्लोगनों के बैनर के साथ सेक्टर 23 बिजली बोर्ड कार्यालय में प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे ये फरीदाबाद के बिजली कर्मचारी, जो अपनी कई मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी माने तो सरकार ने चुनाव के समय में जो वादे किए थे उनमें एक भी वादा अब तक पूरा नहीं किया गया है। उनकी मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन का सरकार ने वादा किया लेकिन पूरा नहीं किया। वहीं उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार कच्चे कर्मचारियों और पक्के कर्मचारियों को आपस में लड़वाने का काम कर फूट डाल रही है और राज करो की नीति अपना रही है, जिसे वह कभी सफल नहीं होने देंगे और इसकी वह घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार लफड़ेदाए भाषण देती है और धरातल पर कुछ नहीं करती। वहीं उन्होंने इस प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वह गांव गांव शहर शहर जाकर लोगों को इस सरकार की आम लोगों के पार्टी विरोधी नीतियों के बारे में भी बताएंगे, जिसका खामियाजा सरकार को 2019 में आने वाले चुनावों में भुगतना पड़ेगा। और जो दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं उसके परिवार को नौकरी देने की बात है, कोई भी सुविधा सरकार नहीं दे रही है, इनको लेकर के पूरे प्रदेश में यहाँ तक पूरे देश में आंदोलन चलाए हुए हैं। तो हम आज सरकार जो कहते हैं समान काम समान लागू करते हैं लेकिन किस उस पर लागू कर रहे हैं। सरकार की कई कंडीशन ऐसी हैं कि कहते हैं या तो एम्प्लॉयमेंट रोजगार नामजद होने चाहिए और प्रॉपर तरीके से क्वालिफिकेशन पूरी करता हो और वैकेंसी निकाले तब भर्ती क्या हो। हम ये पूछना चाहते हैं सरकार से, जो एक कॉन्ट्रैक्ट के एलम लगाए गए थे तब भी तो किसी अधिकारी लगाए थे, तब क्या फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की थी जो आज एक कंडीशन लगाई जा रही है सरकार द्वारा। सरकार ने तो वादे ऐसे करे थे और उसी वादे के तहत लोगों ने इस सरकार को पूरे बहुमत से जिताया, लेकिन जीतने के तुरंत बाद सरकार ने जो इन कच्चे कर्मचारियों के साथ किया काम किया, सबसे पहले तो सरकार ने जो शिक्षा विभाग में जो टीचर लगे हुए थे गेस्ट टीचर उनको पहली कलम से बाहर कर दिया था। लेकिन ये शुक्र है उनका कि सब कर्मचारी संघ उनके साथ था और सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पे वापस करा। इसी प्रकार अभी एजिटेशन बिजली में किया था कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, समान काम दिया जाए, तो सरकार ने एक झटके से 7474 कर्मचारियों को बेदखल कर दिया था, बाहर कर दिया था। सरकार ने आदेश किए, यहाँ एस्मा लगाया, हमने एस्मा की प्रतियाँ जलाई तो सरकार को बैकफुट पर जाना पड़ा, सभी कर्मचारियों को ड्यूटी पर लाए। लेकिन हम ये मांग करते हैं कि आपका महकमा परमानेंट है, कच्चा काम नहीं है, बिजली का परमानेंट रहेगा तो परमानेंट काम में परमानेंट भर्ती कीजिए।